ये जो कैरेक्टर है ये गंगूबाई का कैरेक्टर है, जो मराठी कैरेक्टर है, और उसका एक घर है और उसके घर में ये चारों लोग रहने आए हैं। तो ये मालकिन है इस घर की और बहुत स्ट्रिक्ट है, और उसे प्यार व्यार ये पसंद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उसके घर में कोई मिसबिहेव करे वो उसको पसंद नहीं है। जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है उस हिसाब से उनको चलना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत ही अलग सा रोल मुझे मिला है, नहीं तो आज तक मैं जो करती आ रही हूँ वो मेरे थोड़े से सीरियस रोल हुआ करते थे, सोबर रोल हुआ करते थे, लेकिन ये जो है उसमें थोड़ा सा कॉमेडी टच है और बहुत सारी शेड्स है, जो माँ के लिए बहुत दुखी होती है लेकिन बाकी जो उसके घर में रहते हैं उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है और उस अच्छी भी है, वो मदद करना चाहती है उनको लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो रोल है उसको बहुत सारी शेड्स है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करते हुए। और जो अटायर है मेरा वही मुझे सबसे अच्छा लगा है कि 9 यार साड़ी है और जो टिपिकल मराठी गेटअप होता है वही है, लेकिन उस पर वो शूज़ पहन रही है, तो इसमें थोड़ा सा कॉमेडी टच है। ऑफ स्क्रीन भी मैं थोड़ी सी गंगूबाई हूँ, जो मैं स्ट्रिक्ट हूँ लेकिन बहुत ही एंजॉय करती हूँ सब हर एक क्षण, और मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरों के साथ फ्रेंडशिप बनाना और एक साथ रहना अच्छा लगता है। और मैं वैसे ही हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ और मेरे भी घर में ऐसा वैसा मुझे कुछ चलता नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि हर एक को वैल्यूज़ होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए, जो मैं लेकर चलती आ रही हूँ आज तक। आज तक मेरी ज़िंदगी में मेरी कुछ वैल्यूज़ है, प्रिंसिपल्स है, उस हिसाब से मैं काम करती आई हूँ। और अच्छा काम करना है, सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करना है, सिर्फ इमेज के लिए काम नहीं करना है, फेम मिलने के लिए काम नहीं करना है। जो मेरा काम है वही सब कुछ बताना बताता है और बताना चाहती हूँ, और अच्छे अच्छे रोल्स में करना चाहती हूँ। बेसिकली मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ, मैं सुचेता भिड़े चापेकर इनसे भरतनाट्यम सीखी हूँ। जिमनास्टिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाना तो नहीं गा सकती क्योंकि भगवान ने इतनी अच्छी आवाज़ नहीं दी है, लेकिन गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है और फिल्म्स देखना बहुत अच्छा लगता है और बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी जो बेटी है वो 5 साल की 5th स्टैंडर्ड में है, 9 ईयर की है, और उसका नाम है जूलिया। तो उसके साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता सकती मैं, लेकिन जो भी मुझे वक्त मिलता है मैं उसके साथ बहुत अच्छी तरह से उसके साथ टाइम पास करती हूँ। मैं कोशिश जारी है कि मैं अच्छी फ्रेंड बनूँ, तभी तो मैं अच्छी माँ बन सकूँगी। और मेरे जो हस्बैंड है वो भी इसी फील्ड में काम करते हैं, वो मराठी थिएटर में एक राइटर रह चुके हैं, डायरेक्टर है, वो एक्टर भी है और हिंदी में भी उन्होंने फिल्म्स लिखी है। तो हम दोनों भी इसी फील्ड से है तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है जब मैं यहाँ काम करती हूँ, नहीं तो अगर दूसरे फील्ड का कोई होता तो उनको समझ में नहीं आता कि इतनी देर तक ये लोग यहाँ क्या करते हैं। क्योंकि हम लोग सुबह 7:30 बजे मैं घर छोड़ती हूँ और रात का जाने का तो ठिकाना ही नहीं होता है, कभी कभी 10:30-11 बजे भी हम लोग घर जाते हैं तो कभी। और मेरी बेटी को भी अभी से इसकी शिक्षा मिल रही है कि अपनी माँ कहाँ जाती है, क्या काम करती है, लेकिन मैं जो एक्टिंग करती हूँ वो उसको पसंद नहीं है। उसको ऐसा लगता है सिर्फ उसके डैडी एक्टिंग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो समझते कि माँ ने पैसे तो कमाना चाहिए लेकिन मेरे साथ भी ज़्यादा वक्त रहना चाहिए। मैं आशा जी के गाने सुनती हूँ, तो आशा जी के गाने मुझे बहुत पसंद है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कौन सा भी गाना हो मुझे बहुत पसंद है। रहती हूँ तो और माइकल जैक्सन जी के गाने सुनती हूँ मैं, गाड़ी जैसे स्टार्ट होती है तो FM चालू हो जाता है, तो जीतूराज मिलने आते हैं तो वो अच्छा लगता है। मूवीज़ ज़्यादातर मुझे गुरुदत्त जी की बहुत पसंद है, गोल्डी आनंद उनके बहुत पसंद है, विजय आनंद जी और अमित जी, जया जी, इनके कोई भी फिल्म हो मुझे पसंद है। मुझे मार धाड़ बहुत पसंद नहीं है, मुझे वो मुझे थ्रिलर पसंद नहीं है। एक तो एकदम मैड कॉमेडी मुझे पसंद है, नहीं तो एकदम सीरियस मुझे पसंद है। ओ आजकल का मर्डर वगैरह दिखाते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ वो तो है, लेकिन घर के काम भी बहुत होते हैं और उनके साथ ही ज़्यादा मैं वक्त बिताती हूँ, मेरे दोस्तों के साथ भी वक्त बिताती हूँ। कभी मौका मिले तो मैं अपने दोस्तों के साथ ज़्यादातर टाइम मैं ये करती हूँ,
क्योंकि ऐसी बात है कि हम लोग सिर्फ काम ही करते रहते हैं, लेकिन बाकी लोगों के जो प्रॉब्लम्स है वो भी हमें समझ में आना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। कि एक तो मुझे वो रोल करते हुए भी मुझे बहुत मतलब उसका उपयोग होता है, और दूसरी बात यह है कि मैं एक संस्था है जो कैंसर पेशेंट्स की है, उनके लिए भी मैं काम करती हूँ। जब वक्त मिलता है तो मैं उनके साथ अगर सेमिनार है या कहीं ओपन फोरम है या कभी किसी को मिलने जाना है तो वो मैं काम करती हूँ, या लेकिन फिर मैं मराठी ड्रामा देखने जाती हूँ, क्योंकि मराठी थिएटर अभी भी उतना ही अच्छा है जितना पहले था। लेकिन गोवा और बहुत पसंद वैसे है, तो स्विट्ज़रलैंड, बहुत लेकिन अभी तक जा नहीं पाई हूँ। बेसिकली मुझे मेकअप ही ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे जो नेचुरल लुक होता है वही अच्छा है लगता है। लेकिन लेकिन आजकल बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस है वो मैक भी यूज़ करती है या डर्मा भी यूज़ करती है, लेकिन मुझे क्रायलॉन ही पसंद है बिल्कुल। रोमांस तो होना ही चाहिए, लेकिन हर एक का तरीका अलग होता है, और रोमांस की हर एक की जो व्याख्या है वो बहुत अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि एक साथ वक्त बिताना और अपने मन का जो है वो बताना, वो भी एक रोमांस ही है। अभी शूटिंग है तो वैनिटी तो चाहिए ही, लैपटॉप है मेरा और सेलफोन है और दिमाग साथ में लेके चलती हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं, एक का ही नाम नहीं ले सकती हूँ मैं। लेकिन सबसे पहले है मेरी माँ, कि 2 बार मुझे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसमें मैंने अपनी मेमोरी खो दी थी, मैं ब्लाइंड हो गई थी और राइट साइड पैरालाइज्ड हो गई थी, सेंसेशन गया था मेरा। तो मैं हिंदुजा हॉस्पिटल में थी, मृत्युंजय नाम की एक सीरियल कर रही थी, वो सेट गिरा था। लेकिन एक मेरी माँ है जिसने मुझे ये विल पावर दी, और उसने ही मुझे कहा कि तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, इसलिए आज मैं आप तक पहुँच पाई हूँ। दूसरे है सुलभा देशपांडे जी, जिनके साथ मैंने मेरा पहला बैले किया था, दुर्गा झली गोरी मराठी, वहीदा और जी है और जया बच्चन। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी अच्छी फिल्में आती है, उन्हें आप ज़रूर देखा करो, थिएटर में जाके देखा करो, क्योंकि एक भारत में ही ये चलता है, आज ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है भारत में ही। तो आप लोग अगर फिल्में थिएटर में जाके नहीं देखेंगे तो थिएटर कैसे चलेंगे? हम लोग तो काम करते ही रहते हैं और करते ही रहेंगे, लेकिन आप लोग जब रिस्पॉन्स देंगे तभी हम लोग काम कर पाएंगे, वो आपके बिना हम लोग अधूरे और हैं। ये यंग और जो लड़के लड़कियां हैं वो यहाँ आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, वो ज़रूर आए, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग बाहर है, वो गलत है। मुझे लगता है कि हर एक फील्ड में ऐसा होता है जो हमारे इंडस्ट्री में होता है, लेकिन जो अच्छा होता है वही हमें लेना चाहिए, जो बुरा होता है वो फेंकना से चाहिए, चले उसी और काम करते रहेंगे तो फेम और मनी अपने आप आपके पीछे आएगा। नहीं है आप तो आप ज़रूर यहाँ आइए, यहाँ ना सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेसेस की ज़रूरत है, अच्छे राइटर्स की ज़रूरत है, अच्छे टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर की ज़रूरत है। एक हमारा योगदान है इस इंडस्ट्री, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री शुरू हुई है हमारे यहाँ वो दादा साहेब फाल्के ने शुरू की है। तो एक मराठी होने के नाते भी मुझे ऐसे लगता है कि ये एक उनके प्रति मेरी आदरांजलि है। धन्यवाद।